नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। जब भी इस धरती पर पाप, अन्याय, अधर्म ने अपने पैर पसारे, तब तब देवी देवताओं ने धरती पर अवतरित होकर पाप अन्याय को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। धरती पर महिषासुर के फैले आतंक को समाप्त करने के लिए आदिशक्ति माँ दुर्गा प्रकट हुई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब माँ दुर्गा ने प्रकट होकर असुरों का वध किया। महिषासुर का अंत करने के लिए प्रकट हुई थी माता। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुआ था। इसी कारण उसे महिषासुर कहा जाता है। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंसे या इंसान का रूप धारण करने में सक्षम था। उसने अमर होने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्मे हुए जीव का मरना तय है। तब महिषासुर ने कहा कि आप मुझे यह आशीर्वाद दें कि मुझे देवता, असुर और मानव कोई भी ना मार सके, किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दैत्यराज को यह वर प्रदान किया कि उसकी मृत्यु किसी कुमारी कन्या के हाथ से होगी, कहकर अपने लोक चले गए। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इतना ही नहीं, देवताओं के इंद्र लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे सारे देवता परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने देवी का आवाहन किया, तब आदिशक्ति देवी की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि देवी का युद्ध महिषासुर से 9 दिनों तक चला था और 9वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर इस धरती को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। आदिशक्ति माता दुर्गा कैसे हुई प्रकट? असुरों के अत्याचार से तंग आकर जब समस्त देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया, विभिन्न देवताओं के देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। कहा जाता है कि भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने हैं। आदिशक्ति के प्रकट होने के बाद देवों के देव महादेव शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल, माता लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र, अग्नि देव ने शक्ति व वानों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण देव ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र देव ने वज्र, भगवान श्री राम ने धनुष, वरुण देव ने पाशवा तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अलावा समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी ना फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सभी वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। महाभारत में मिलता है माता दुर्गा का संबंध। ऐसी एक अन्य किंवदंती महाभारत में भी आती है। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माँ वैष्णो की गुफा में पूजा करने को कहा था। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के आखिरी दिन पांडवों ने अपनी पहचान बता दी थी। वह उनके वनवास का आखिरी समय था। इसी दिन उन्होंने शमी के पेड़ से अपने सारे हथियार निकाल लिए, जो उन्होंने राजा विराट के महल में शमी के पेड़ के नीचे छुपाए थे। इसलिए विजयदशमी के दिन शमी की पत्तियां भेंट की जाती हैं, जिन्हें जीत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र पर माँ दुर्गा भक्तों के मध्य करती है वास। माँ दुर्गा को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान हरि विष्णु और भगवान शंकर जी आदिशक्ति की शक्ति से दृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। इसके अलावा अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ दुर्गा को आदिशक्ति, शक्ति, भवानी और जगदम्बा जैसे कई नामों से पूजते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का अवतरण राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा सहित उनके रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में माता की पूजा और भक्ति का फल जल्दी मिलता है। वेदों में भी है माता दुर्गा का उल्लेख। वेदों में तो माँ दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। उपनिषद में देवी को उमा हेमवती कहा गया है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का ही एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवत्ती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। आदिशक्ति ने ही माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में जन्म लिया।
स्त्री शक्ति ने ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश से विवाह किया। तीनों रूप होने के बावजूद भी दुर्गा आदिशक्ति का ही रूप है। माता दुर्गा के हैं कई रूप। देवी दुर्गा का मुख्य रूप गौरी है, उनका सबसे रौद्र रूप काली है। सप्तशती के अनुसार इनके कई अन्य रूप भी बताए गए हैं। इनमें ब्रह्मानी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति, रक्तदंतिका, उग्र चंडी प्रमुख नाम है। तो दोस्तों, यह थी आदिशक्ति माता दुर्गा के प्रकट होने से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।